दोस्तों पिछले कुछ दिनों से नाइकी के एयर मैक्स 97 शूज़ बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं क्योंकि बहुत ही डेंजरस लुक है इनकी। ये जूते पूरी तरीके से शैतानी चीज़ों से इंस्पायर हैं। 26 मार्च 2021 को लिल नास एक्स, जो कि एक सिंगर हैं, रैपर हैं, उन्होंने एक गाना रिलीज़ किया। उस गाने में उन्होंने पूरा शैतान के बारे में, शैतान की गंदगी, शैतान के चरित्रों के बारे में दिखाया। गाने की शुरुआत होती है एक पेड़ से जहां वो सिंगर बैठा होता है, और तभी एक सांप यानी कि शैतान उसके पास आ जाता है पेड़ से उतरकर। बिल्कुल उत्पत्ति की स्टोरी से इंस्पायर है, लेकिन शैतान को हर जगह डाल दिया गया है। बाद में शैतान परीक्षा करता है और गलत शारीरिक संबंध बनाना शुरू करता है, और आगे फिर वो पहुँच जाता है शैतान के पास, और आगे बड़े ही गंदे सीन आते हैं, और ये सब कुछ बहुत ही डरावना और बहुत ही गंदा बेकार लगता है। बहुत ही ज़्यादा गंदगी दिखाई गई है इसमें, और इतनी ज़्यादा गंदगी होने के बाद भी 85 मिलियन व्यूज़, जी हाँ 85 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इस गाने को ऑलरेडी देख लिया है। इस वीडियो को मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, इसे बिल्कुल भी ना देखें और इस गाने को बिल्कुल भी ना सुनें। ये सब कुछ बहुत ही गंदा और बहुत ही ज़्यादा शैतानी है, और उसी रैपर और सिंगर लिल नास ने शैतानी जूतों को लॉन्च किया। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या शैतानी है इन जूतों में जो इन जूतों को शैतानी बना देता, राइट? मैं आपको बता दूं कि इन जूतों में खून है, ब्लड है, इंसानों का खून है। ये जो रेड बॉर्डर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इनमें खून भरा हुआ है, एक एक बूंद। दूसरी बात, जूते के ऊपरी भाग पर शैतान का चिन्ह है, या फिर जिसे बेपोमेथ का चिन्ह भी कहते हैं, वो चिन्ह है जिसे आप हर शैतानी एक्टिविटी में पाएंगे, चाहे कोई मूवी हो या शैतानी आराधना हो या शैतानी कलीसिया हो, हर जगह शैतान के साथ इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी बात, वहाँ पे लूका 10 अध्याय उसका 18 वचन का इस्तेमाल किया गया है, जी हाँ जूते पर बाइबल का वचन भी डाला है इन लोगों ने। और फिर इन जूतों के 666 जोड़े यानी कि 666 पेयर्स लॉन्च किए हैं, और हम पवित्र बाइबल से जानते हैं कि 666 किसका अंक है। बाइबल प्रकाशित वाक्य की किताब में बताया गया है कि 666 शैतान का नंबर है। चौथी बात, नास एक्स ने जूतों के पीछे आंख दिखाई है, और ये आंख इल्यूमिनाटी का चिन्ह है। आप जब भी कोई इल्यूमिनाटी की वीडियो देखेंगे तो आप इस आंख को जरूर पाएंगे। पांचवी बात, जूते के अंदर की ओर भी शैतान का चिन्ह बनाया गया है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इसके ऊपरी भाग में उल्टा क्रूस भी बनाया गया है, जो एक बार फिर से शैतानी चिन्ह है और शैतानी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस जूते में शुरुआत से लेकर अंत तक सभी चीज़ें बाइबल के विरुद्ध है। खून है, शैतान का चिन्ह है, उल्टा क्रूस है, 666 का जिक्र है, और बाइबल की आयत को जूते पर छापा गया है, और इसीलिए ये जूते शैतानी जूते या फिर शैतान से इंस्पायर्ड वाले जूते कहे जा रहे हैं। इन जूतों की कीमत $1,018 यानी कि 70,000 से 73,000 के बीच, 72,000 to 73,000 रुपीज़ के बीच में रखी गई है, और इतने महंगे होते हुए भी कुछ ही मिनटों में ये शैतानी छाप वाले जूते तुरंत बिक गए। काफ़ी सारे लोगों ने, सेलिब्रिटीज़ ने इन जूतों को सेल शुरू होते ही ख़रीद लिया और मिनटों में आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। अब सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब इस जूते के बॉक्स को खोला जाता है। वहाँ उसके कवर पर दिखाया गया है कि शैतान प्रभु यीशु को पकड़कर कहीं लेकर जा रहा है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दिखाया जा रहा है कि कैसे शैतान ने प्रभु यीशु को, या जो यीशु की तरह दिखने वाला फिगर है, उसे उठाया है। दोस्तों यह सब कुछ बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। अब इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जैसे शैतान प्रभु यीशु मसीह को ज़बरदस्ती कहीं उठा कर लेके जा रहा हो, और शैतान को बलवंत दिखाया गया है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं। एक तरफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात चल रही है, दूसरी तरफ सभी चीज़ें कंट्रोल में है, इंसान के पास आज़ादी खत्म होती जा रही है, इलोन मस्क जैसे लोग न्यूरालिंक लगाकर दिमाग को पढ़ना चाह रहे हैं, ये सब कुछ एक ही साथ एक ही समय में हो रहा है, और अब बिल्कुल खुलेआम, और अब बिल्कुल खुलेआम शैतानी जूते भी बिक रहे हैं बिल्कुल ओपनली। और अब क्योंकि पूरी दुनिया में इन जूतों को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है, तो नाइकी ने कहा है कि ये हमारे जूते नहीं हैं, बल्कि हमारे ट्रेडमार्क को बिना हमारी परमिशन के यूज़ किया गया है। दोस्तों यह संसार हमेशा से ही रोशनी की बजाय अंधेरे को पसंद करता है। यूहन्ना ने लिखा, ज्योति अंधकार में आई
और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। लोग परमेश्वर से नहीं बल्कि उस विरोधी से ही प्यार कर रहे हैं जो उनको मारना चाहता है। परमेश्वर बचाना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो बचाने वाले से प्रेम नहीं कर रहे, जो मारना चाहता है उल्टा उसी से प्रेम कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो लोग खुद उस रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ उनका विनाश होने वाला है और उस दुष्ट ने उनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट कर दी है। ये जो गाना है नर्क और शैतान के ऊपर, मेरे ही पड़ोस में कोई से चलाकर बिना इसका मतलब समझे इस पर डांस कर रहा था। लोग अभी भी गंभीर नहीं हो रहे हैं और इस बात को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। ये जो रैपर है लिल नाम, पिछली कुछ वीडियो से सिर्फ और सिर्फ शैतान को ही बढ़ावा देता आ रहा है। इसके पिछले गानों में भी आप देखिए, इसे सिर्फ और सिर्फ शैतान से प्रभावित दिखाया गया है, जैसा आप स्क्रीन पर इन क्लिप्स में देख भी पा रहे हैं। आज से कुछ साल पहले कोई इस रैपर को जानता भी नहीं था, लेकिन जब से इसने शैतान के साथ डील कर लिए, शैतान के गाने लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं, इसकी वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही हैं और YouTube पर भी 12 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं जब से इसने शैतान को प्रमोट करना शुरू किया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली है जो किसी के लिए काम कर रहा है, किसी और को फेमस कर रहा है। ये खुद अपने आप को फेमस नहीं कर रहा बल्कि ये अपने गुरु अपने स्वामी को फेमस करके दिखा रहा है। सिंपल सी बात है, इसकी एक वीडियो में 85 मिलियन लोगों ने शैतान को देखा। अभी आगे कितने लोग और देखेंगे आई हैव नो आइडिया, लेकिन इसने उस दुष्ट का काम, उस शैतान का काम अच्छे से किया है। ऐसे लोग और ऐसे लोगों के फॉलोवर्स खुद तो नर्क जाएंगे ही, लेकिन करोड़ों लोगों को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं और वही शैतान की शुरुआत से चाल है। दोस्तों सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि कैसे शैतान हर एक चीज़ को यूज़ कर रहा है। हर एक चीज़ को जो आप देखते हैं उसे समझें, ऐसे ही किसी भी चीज़ पर विश्वास ना कर लें। आज इस संसार में चलने फिरने बढ़ने के लिए आत्मिकता और आत्मिक हथियारों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को डा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। दूसरा कुरंतियों 10 अध्याय उसका 4 वचन। अब क्योंकि शैतान एक आत्मा है, उसे सिर्फ आत्मा के द्वारा ही, जी हाँ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हराया जा सकता है। हम उसे अपने दिमाग से, अपनी नॉलेज से, अपनी टेक्नोलॉजी से या गोली मारकर नहीं हरा सकते, लेकिन वचन, प्रेयर, फास्टिंग, स्पिरिचुअल लाइफ के द्वारा उसे ज़रूर कुचल सकते हैं। इसलिए आज सबसे ज़्यादा हमें आत्मिकता, धार्मिकता और पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। दोस्तों हम सभी एक बहुत बुरे समय के दौर से गुजर रहे हैं और इस समय में सिर्फ परमेश्वर ही हमारी पहली और हमारी आखिरी आशा है, इसलिए परमेश्वर में बने रहें। और दोस्तों मैं आपको ऐसी चीज़ों पर रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इन शूज़ के बारे में क्या लगता है। दोस्तों मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रभु में बने रहिए।